मेरा नाम है अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शफीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईपी पे यूट्यूब को किस तरह बहुत ही खास तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाइड आर आईपी के नाम से कि मेरी वेबसाइट अमर ब्लॉग ऑनलाइन ट्रेनिंग blogsonline.blogspot.com softwaresonline.blogspot.com पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करें ये कंप्यूटर कर लें तो अपने इसे डेस्कटॉप पर कॉपी कीजिए और राइट क्लिक करने की वजह से एक्सट्रैक्ट कीजिए। तो ये कंप्यूटर सर नहीं, जैसे आप इसे डेस्कटॉप ये एक्सट्रैक्ट हो जाए आपने क्या करना है, इस पर फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे, उसके पास एक फोल्डर अपना होगा, इसमें फोल्डर है। अभी इस फोल्डर को आपने ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने जनाब इस फोल्डर को दोबारा से ओपन करना। फिर अभी जैसे ही आपने इस फोल्डर को ओपन किया आपके पास एक फोल्डर बन गया। फोल्डर में आपका इसका सेटअप है, हाइड आल आईपी सेटअप है और लोकल है। आपने हाइड आल आईपी सेटअप को डबल क्लिक करना, फिर इसको रन किया ऑप्शन में, अब इसको यस करें। यस करने के बाद नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट करें इसे इंस्टॉल करें। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, इंस्टॉल करने के बाद इसको रन नहीं करना, मतलब आपने फिनिश करने से पहले इसको अनचेक लगाना है अगर आपसे चेक न मांगे। ये इसने चेक दिया हुआ है, इसको अनचेक करूँगा, इसको अनचेक करूँगा और फिर इसको फिनिश करूँगा। जैसे ही मैंने इसे फिनिश किया ये आपका सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। अभी दोस्तों हमने क्या करना है कि जनाब हमने अपना माय कंप्यूटर ओपन करना है, सी ड्राइव को होना है, प्रोग्राम फाइल्स, उसमें हाइड आल आईपी ऑटो अपग्रेड की फाइल है, इसको हमने डिलीट करना है। इसको हमने डिलीट कर दिया। अभी वही पहले वाला फोल्डर, इसमें फोल्डर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस सेटअप के फोल्डर में आपने इसको पेस्ट कर देना है। अभी ये लोडर इसमें आ गया। अभी हमने दोस्तों इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद यस, फिर यस और ओके, हमारा लोडर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम आल आई बी को यहाँ से भी रन कर सकते हैं और डेस्कटॉप से भी, डेस्कटॉप से करता हूँ। अभी इसके अवेलेबल वर्जन को इसको इग्नोर जिस वर्जन कर दीजिए और ओके कीजिए, आपका जो है ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क करेगा। अब दोस्तों इसमें तमाम आईपीज़ जो हैं ये तमाम इसने काउंट कर लिए हैं कि कितने आपके आईपीज़ जो हैं ये चल रहे हैं। तो आपने क्या करना है जनाब के इनमें से जो आपका आईपीज़ है जिसमें से आप चलाना चाहते हैं आपने उसे क्लिक करना है। दोस्तों इसे हमने इंस्टॉल कैसे करना है, मतलब इसे यूज़ कैसे करना है, हमने क्या करना है जनाब को किसी भी आप आईपीज़ को यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पर कनेक्ट टू कंट्री अपने मुतलका कंट्री जो है वो सिलेक्ट करें। अभी अपने जिस कंट्री से सिलेक्ट करना है, मैं यूके से करता हूँ जनाब, यहाँ पर यूके सिलेक्ट करता हूँ और अभी इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। अभी जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये देखिए एक चीज़, ये आई पीज़ कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्शन में आपको बता देता हूँ, ये आई पीज़ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, फायरफॉक्स का टनल चल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ जनाब कि आपने इस पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको मैं यूट्यूब अपना यूट्यूब का अकाउंट चेक करवाता हूँ। सॉरी, इसे डिस्कनेक्ट करते हैं जनाब, हम कोई और हम ये कर लेते हैं सिंगापुर, यहाँ पर है जनाब सिंगापुर को सिलेक्ट करते हैं। इसको डबल क्लिक करते हैं जनाब। अभी यहाँ पर करते हैं हम जनाब youtube.com, अब देखिए दोस्तों ये कितने फास्ट तरीके से ओपन हुई है YouTube। और कोई भी चीज़ इसमें चलाना चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं, इसलिए चलाना चाहें
या फिर अगर आप गूगल क्रोम नो करता हूँ दोबारा से इसे मैं नो करता हूँ अभी दोस्तों मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि किस तरह आप यूट्यूब इजीली ओपन कर सकते हैं। सेफ फायरफॉक्स ओपन करें या सिंपल फायरफॉक्स को कर लें वो आपकी मर्जी है। अभी देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि दोबारा से यूट्यूब ओपन करके सॉरी देखिए ना बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ और फास्ट तरीके से यूट्यूब को ओपन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। वो हमें याद रखिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करने के लिए यूट्यूब facebook.com/online-trainings और सब्सक्राइब करने के लिए जनाब youtube.com/user/online-trainings। तो हमें याद रखिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। हाफिज़।